अभी गाइस पहुंच चुके हैं हम करोल बाग में। बहुत डाल दो मलाई। अब मजा आएगा। लो पापा जी, हाफ मम्मी ने बनाई हाफ मैंने बनाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब बढ़िया हैं और आज के ब्लॉग के करते शुरुआत। अभी हम जा रहे हैं मार्केट में और मार्केट में कहां जा रहे हैं आपको साथ में लेकर के चलते हैं, आप भी देखिएगा। तो अभी निकलते हैं, मैं रेडी हो चुका हूं, मम्मी भी रेडी हैं, पापा भी रेडी हैं, चले फिर। गाइस फोन अपने उठा लें, ये सारे फोन घर पे रहने देते हैं, ये ले चलते हैं। आज गाइस बाइक लेने का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल है क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। तो यदि आज करोलबा का टाइम मिला तो वहाँ चल करके देख लेंगे, लेकर के कल आएंगे संडे के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये चक्कर है। तो अभी निकलते हैं। इस घर वाले कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं साथ में लेकर जाने के लिए, यदि कुछ मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो उसमें डालने के लिए, राइट, यही ढूंढ रहे हो। हाँ। तो मिल नहीं रहा, वो साड़ी वाला था ना, तो ये सारा सामान इसी में हमने रख दिया बैग में। साड़ी लेके आए थे ऐसे पकड़ने वाला था वो। इस साथ में ये थोड़ा मजबूत लिफाफा है, ये लेकर चलते हैं। देखो उसको फोल्ड कर लो फिर। गाइस हम रास्ते में यहाँ चल रहे हैं, आगे से बस पकड़ते हैं, बस में ही चलेंगे और शायद करोलबाग निकलेंगे। करोलबाग मार्केट लगती है, थोड़ा मार्केट घूम लेंगे और एक दो बाइक वाले से बात भी आज कर लेंगे, तो फिर कल जा कर के ले आएंगे। शनिवार का दिन है इसलिए घर वालों ने और मैंने सोचा आज रहने देते, आज नहीं लेकर के आते, इतना जहाँ इतना टाइम तक वेट किया तो एक दिन और वेट कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। सो अभी चलते हैं पैदल, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो अभी गाइस पहुंच चुके हैं हम करोल बाग में, तो बस वहीं से पकड़ी थी अपने घर के पास से जहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी चल करके पहले तो बाइक का देखते हैं क्या सिस्टम है। तो जहां पर ब्लॉग बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं यहाँ पर। तो अभी गाइस करोल बाग की जो बाइक की मार्केट है वो सारी देखी है, तो एक दो मोटरसाइकिल उसमें से सिलेक्ट की हैं, बाकी कल आ करके ले करके जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग की मार्केट की तरफ, जहाँ पर होलसेल की मार्केट है, सूट साड़ इत्यादि सारा सामान मिलता है, तो वहाँ चल करके आपको पूरा दिखाते हैं। हमने बस ले ली है, बस लेकर के चलते हैं घर। तो ज़्यादा कुछ मार्केट आज लगी नहीं थी क्योंकि मंडे को मार्केट लगती है, पानी पीने। कल चलते हैं बाइक लेने, अच्छी एक बाइक मिल गई है, ये है बसों का, ले ली टिकट। तो अभी गाइस बस से हम उतर चुके हैं, तो घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज बहुत बढ़िया लगा और कुछ बात ऐसी थी जो मार्केट थी आज ज़्यादा लगी नहीं थी, पटड़ी मार्केट मंडे के दिन वो लगती है, मैं उस तरफ गया था लेकिन इतनी ज़्यादा लगी नहीं थी, मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। और रही बात बाइक की, वो भी देख करके आज आ चुके हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा थी और एक दो दुकानों पर थोड़ा सेलेक्ट करके आए हैं, तो कल निकलेंगे। गाइस एक नया रोड अभी बन रहा है, उस तरफ से सीधा इसको जोड़ा जाएगा। ये देखिए किस प्रकार बहुत तेज़ी से ये कार्य हो रहा है। तो मिट्टी देखिए, लाल रंग की मिट्टी है डाली, नीचे दूसरी है, ऊपर रेड कलर की है। सो अभी गाइस घर पहुंच चुके हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और अभी सुबह की रोटियां कुछ पड़ी थी उसको तल करके, साथ में अचार का रस्सा है, नींबू का अचार मेरा फेवरेट है, वो ख़त्म हो चुका है। और पापा गए हुए हैं समोसे लाने, जब तक समोसे लेकर के आते हैं तब तक ना एक रोटी मम्मी ने लेनी है, एक मैंने, जे नींबू के अचार का जो रस होता है वो है, साथ में चाय है। तो मम्मी इधर अभी अपनी चाय बना रहे हैं, तो एक रोटी खाते हैं, समोसे आते हैं, समोसे भी खाते हैं, भूख भी लगी हुई है, समोसे आ चुके हैं, इसमें मैंने प्याज चटनी डाली हुई है तो भी खाते हैं। सो अभी गाइस टाइम हो चुका है शाम के 7, शाम को सोते नहीं है, थक गए ना बोला नहीं जा रहा। सो गाइस अभी मैंने वीडियो तो सुबह की एडिट कर दी थी, अभी मैंने अपलोड पर लगाई है, तो आज सारा दिन कुछ नहीं किया, तो वहाँ पर गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी तो ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आवाज़ें इतनी आती हैं, मेरी आवाज़ कम सुनेगी, उनकी आवाज़ ट्रैफिक ज़्यादा सुनेगी। सो अभी बस
ऐसे ही है, बैठे हुए हैं, ब्लॉग को अपलोड करते हैं, थोड़ा सा बाहर को निकलते हैं, सैर सूर करके आते हैं, मम्मी थोड़ा रेस्ट करेंगे। एक तो इतना चल चल के ना थक भी चुके हैं, सो जब बाइक आएगी तो फिर बढ़िया रहेगा जाना आना हर जगह। गाइस मैं बाहर आया हुआ था थोड़ा सा टहलने, और शनिवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेक के आते हैं, मम्मी पापा घर में ही हैं, तो थोड़ा थक चुके थे, मम्मी थोड़ी रेस्ट कर रहे थे। अभी मोनू भाई के घर के पास ही खड़ा हूँ, भाई को कॉल किया था तो भाई कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, साथ में चलते हैं, तो अभी आपको करवाते हैं दर्शन। गाइस भगवान क्या आशीर्वाद ले लिया, मथा टेक लिया, भाई हमारे आ गए हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है रात्रि के 10, अभी भाई छोड़ करके गए थे, आधे रास्ते में अभी जा रहा हूँ घर, और घर जाके खाना खुना खाते हैं। आज मैं लेट खाना खा रहा हूँ क्योंकि पहले समोसे खा लिए थे, भूख नहीं थी, तो अभी चलते हैं सीधा घर में। गाइस मम्मी पापा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अभी मम्मी रोटी बना रहे हैं, सब्जी तो सुबह बन गई थी, और सब्जी में आज बना हुआ है राजमा, उसी में काले चने डाल करके, तो उसी को अभी गर्म किया जा रहा है। इधर मम्मी रोटी बना रहे हैं, और मम्मी और सिर्फ दो रोटी बनाना मेरे लिए। अच्छा दो ही खाएगा? बस दो दो। और रात के देखिए गाइस 10:10 हो चुके हैं, अभी कितने खाएंगे, समोसे खा लिए थे ना, भूख भी नहीं है इतनी। और जी गाइस ये अनार कब के पड़े हुए हैं, छिलके रखे हुए हैं मम्मी ने, तो अभी तक खाने को टाइम ही नहीं मिला। खाना भी लग चुका है, रोटी है, साथ में थोड़ा सा प्याज है, ये सब्जी है, भूख इतनी ज्यादा नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी दो रोटी खा लेते हैं। पापा तो कह रहे हैं कि मैं एक ही रोटी खाऊंगा, और इसके बाद मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने को, तो आज ना सेवियां बनाएंगे दूध वाली, तो पहले खाना खाते हैं फिर मैं खुद बनाऊंगा। सो अभी गाइस ये सेवियां हैं, बनाते हैं अभी, पर मेरी ना गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी है, तकरीबन हमें हंस रही है कि सारा कुछ बताने लग जाता है, 3-4 दिन पहले भी दर्द कर रही थी, आज फिर से करने लगी है बड़ी ज़्यादा। और जी गाइस इस प्रकार हम मलाई निकालते हैं, जो देखिए मलाई जोड़ जोड़ के रखते हैं। पापा जी क्या कर रहे हो, मलाई देखो पापा मलाई निकाल रहे हैं। ये अभी मलाई एक साइड पे रख देना, इसमें डाल देंगे सेमिया में है? हाँ। अभी गाइस पापा ने लोई छोड़ दी है, मम्मी ने ये रख ली है लोई, कोटी नहीं ना पहनी। अच्छा कोटी नहीं पहनी है। सो अभी गाइस घी में सेमिया डाल दी है, इसको थोड़ा सा भुनेंगे, 10 मिनट में अच्छी प्यारी खीर बन जाएगी इसकी। क्यों मम्मी? बिल्कुल बनेगी। मियाँ थोड़ी कम थी, मम्मी ने अभी और डाली है। गाइस इसमें दूध डाला जा रहा है, और डाल दो मलाई। ये अब मजा आएगा। मम्मी सेमियां थोड़ी कम तो नहीं होंगी? नहीं। गाइस जब आपका भी मन करे मीठा खाने को तो 10 मिनट में आप सेमियों की खीर तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। अभी कुछ है नहीं है खाने, इसमें डालेंगे बादाम काजू छुआरे, भिगोए नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी बताया मम्मी को मीठा खाने को मन कर रहा है, मम्मी मेरी बहुत प्यारी है, उन्होंने बना दिया। सो अभी गाइस सेमियां बन करके तैयार हैं, तकरीबन अभी 11 बज चुके हैं, तो आधा घंटा लग ही चुका है ना इसमें। सो अभी गाइस जो जो सेमियां हैं इनको अभी कटोरी में डालते हैं, लेकर के चलते हैं अंदर, कटोरी ढूंढने पड़ेगी। लो पापा जी, हाफ मम्मी ने बनाई हाफ मैंने बनाई, टेस्ट करके देखो, खा के देखते हैं कैसी बनी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो बताओ मलाई कितनी डाल दिया, टेस्टी तो बनेगी। गाइस मैं भी खा करके देखता हूँ कैसी बनी है, टेस्टी बनी है। इसमें वैसे मैंने बादाम काजू कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि वो दाम भिगो करके नहीं रखे हुए थे, और मुझे पता नहीं भिगो करके डालते हैं जब ऐसे डाल देते हैं। है भी है, पड़े कि नहीं, खत्म हो गए, पड़े हुए हैं। गाइस जहाँ पर होलसेल की मार्केट है अपने, कहाँ पर है इसको, कहते हैं पीली कोठी कहते हैं, सदर बाजार की साइड पर है, तो एक दिन वहीं पर चलेंगे, वहीं से और ज़्यादा सामान ले करके आएंगे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिल जाता है, दालें भी, चावल भी, और मसाले भी, ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी वहाँ पर मार्केट है, एक दिन आपको वहाँ पर लेकर के चलेंगे, वहाँ का पूरा ब्लॉग बनाएंगे, और सस्ता है, अच्छे दाम पर मिल जाता है। तो अभी गाइस टाइम हो चुका है रात्रि के 11:45, तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास बन नहीं पाया, क्योंकि जब यहाँ से निकले हैं वहाँ पर भी
थोड़ी आपको बताया है बीच में कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी तो इतना वहाँ पर भी नहीं बना पाए, तो घर पर आकर के थोड़ा टाइम मैंने रेस्ट किया था, मंदिर जा कर के आए हैं, तो अभी बस सेमियाँ खाई हैं। तो इस ब्लॉग का यहीं पर करते हम एंड, कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे, मैं पापा और शायद ओम प्रकाश भाई साथ में जाएंगे, तो बाकी कल वहाँ पर चल करके देखते हैं, बाइक लेकर के आते हैं, तो कल फिर से करोल बाग ही निकलेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।